अगर आप लोग ने भी किस लोन रिपेमेंट नहीं किया है, उसका पर्सनल लोन लिया है, उसका रिपेमेंट आप लोग नहीं किए हैं किस एप्लीकेशन का, तो आप लोग के साथ क्या क्या हो सकता है इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलने वाले है। वही बात करें आप, अगर आप लोग किस लोन रिपेमेंट नहीं किया है तो क्या होगा आप लोग के साथ, तो क्या आपके सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आपको कॉल SMS कितने आएंगे, या लीगल नोटिस आते हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स करना है, रिकवरी एजेंट आते हैं तो क्या करना होगा, रिकवरी एजेंट कब आते हैं इस पे भी बात करेंगे, पुलिस केस होगा या नहीं होगा, पुलिस आएगी अगर केस होगा तो कितने साल की जेल होगी इसके बारे में बात करेंगे, कोर्ट केस वगैरह मतलब आपके ऊपर कोर्ट केस होगा, आपको कोर्ट जाना होगा और नहीं जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा इसमें बात करने वाले हैं। और उसके बाद डिस्क्लेमर है, अगर आप लोग के पास पैसे हैं, अगर आप लोग जानबूझ के रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो जल्द से जल्द उनका रिपेमेंट कर दे, क्योंकि इसके इस केस में आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। अगर आप लोग के पास पैसे सच में नहीं है तब आप लोग को ये वीडियो देखना जरूरी है, ये वीडियो देखिए आप लोग का जितने भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे। तो सिविल स्कोर पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके, सबसे पहले बात किया जाए सिविल स्कोर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ही आप लोग लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं, जो ड्यू डेट रहता है उस ड्यू डेट पे आप लोग लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग का क्या होगा, उसके अगले ही दिन आप लोग का जो सिविल स्कोर है उसको डाउन करना स्टार्ट कर देंगे, डाउन करना स्टार्ट करेंगे, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोग के। जैसे ही डाउन होगा आप लोग को फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का लोन, अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है कोई एप्लीकेशन दे दे लो सिविल स्कोर पे तो वो अलग बात है, बट आप लोग को जो इतना लो हो जाएगा कि NPA में भी जा सकता है या फिर आपके सिविल पे रिटर्न ऑफ भी लिखा जाता है। तो रिटर्न ऑफ या NPA क्या होता है इसके बारे में अगर आप लोग को जानना है तो डिटेल्स में तो कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए, हम लोग इस पर डिटेल वीडियो भी लेकर के आएंगे। बाकी आपका सिविल स्कोर डाउन होगा इतना आप लोग जान लीजिए अगर आप लोग लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो। अब बात करते हैं कॉल या SMS, कॉल या SMS आपको कितने आने स्टार्ट हो जाएंगे, कब आना स्टार्ट हो जाते हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉल और SMS आप लोग को जैसे ही आप लोग लोन रिपेमेंट का टाइम आता है उससे पहले कॉल और SMS आ जाएगा, एक रिमाइंडर SMS या कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका इतना इतने तारीख को ड्यू आपका लोन का रिपेमेंट है, डेट है, EMI का डेट है, तो उसको आप लोग रिपेमेंट कर दे, कॉल भी आता है SMS भी आता है। अगर आप लोग लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तब आप लोग को कितना आने लगता है, अगर आप लोग लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग को एक दिन में 10 से 15 तो कॉल आते हैं और SMS तो जानिए ही मत बहुत आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको रोकने के लिए सिंपली आप लोग को बोलना है भैया मेरे पास पैसे नहीं है, आप लोग को जितना मतलब जो आप लोग को ईमेल करने के लिए मैंने बोला, हर वीडियो में बोला है कि आपको जब आपको लगे कि आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे या आप लोग ने सोचा या आप लोग ने रिपेमेंट नहीं किया है तो आप लोग सिंपली उनको बोल दीजिए, ईमेल कीजिए। सबसे फर्स्ट काम क्या होगा, ईमेल कीजिए कि आप लोग को इतना वक्त लगेगा और आप लोग क्यों रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं वो बताइए उनको, और उनके कॉल जब भी आप लोग उनको करें तो उनको एक आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप लोग के पास एक ये रहे रिकॉर्डिंग वगैरह रहे, प्रूफ रहे कि आप लोग ने वक्त मांगा था फिर भी ये लोग कॉल कर रहे हैं, इसमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखे रहे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप लोग इनका कॉल या SMS का मैसेज नहीं करते हैं, बट एक दो मैसेज कर दीजिए मतलब रिप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद क्या लीगल नोटिस के बारे में बात करते हैं, तो लीगल नोटिस वगैरह क्या होता है, बहुत लोग पूछते हैं कि लीगल नोटिस करके मेरे पास आया है क्या, ये लीगल नोटिस है हमको क्या करना होगा इसके बाद वो सुन, तो लीगल नोटिस के बारे में बात करते हैं। तो लीगल नोटिस वगैरह तो ऐसे कुछ ऐसा होता नहीं है, अगर आप लोगों को पता करना है कि लीगल नोटिस आया है वो सही है या नहीं, जैसे आप लोगों को सेक्शन 138 सेक्शन 25 अगर ऐसा वगैरह रिक करके आ रहा है, अगर आप लोग को अब इस एप्लीकेशन से आ रहा है तो सेक्शन 138 तो एक चेक बाउंस का केस है, तो आप लोग ने कोई चेक वगैरह दिया ही नहीं है तो आप लोग के ऊपर क्या चेक बाउंस का केस होगा, ऐसे कोई लीगल नोटिस वगैरह नहीं होते, ये सब एक रिमाइंडर नोटिस होते हैं, आप लोग को इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इसका रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस अगर आप लोग के पास पैसे सच में नहीं है तब, अगर आप लोग के पास पैसे हो करके आप लोग नहीं रिपेमेंट कर रहे हैं तब आप लोग को प्रॉब्लम होने वाला है, अदरवाइज आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब रिकवरी एजेंट की बात करें तो रिकवरी एजेंट कब आते हैं, कैसे आते हैं और क्या करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो रिकवरी एजेंट आप लोग के घर कभी भी आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, एक महीना डेढ़ महीना या दो दिन पांच दिन कभी भी आ जाते हैं।
अगर लोन अमाउंट ज्यादा है तब तो तुरंत आ जाते हैं, अगर कम है तो थोड़ा टाइम लगता है आने में। और सुन लीजिए, अगर आप लोग का घर गांव वगैरह विलेज वगैरह में है तो आप लोग के घर बहुत कम चांसेस है कि रिकवरी एजेंट आएंगे, वहीं शहर में है तो ज्यादा चांसेस है कि आप लोग के घर आएंगे ही आएंगे। आएंगे तो आप लोग को क्या करना है, मैंने ऑलरेडी हर एक वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोग के घर रिकवरी एजेंट आए तो आप लोग को सिंपली एक हार्ड कॉपी जो आप लोग ने ईमेल किया है वो दिखा दीजिएगा, और दूसरा उनसे अगर फिर भी वो लोग बात नहीं सुनते हैं तो आप लोग को उनसे एक ऑथराइज लेटर सिंपल सा मांगना है। ऑथराइज लेटर दिखाइए कि आप लोग को अथॉरिटी मिला हुआ है इस एप्लीकेशन का लोन रिपेमेंट करने का, लोन रिकवर करने का। अगर आप लोग के पास ऑथराइज लेटर है तो दिखाइए, नहीं है तो ऐसे तो कोई भी उठ करके आ जाएगा, बोलेगा कि हमको, हम इस ऐप से आए हैं, आपका रिपेमेंट कीजिए। ऐसे कोई भी सबके पास डेटा चला जाता है तो ऐसे हम आपको कैसे माने। बस सिंपली आप लोग को ये पूछना है, अगर फिर भी तंग करे तो आप लोग का हक है, आप लोग कहीं पे भी कंप्लेन कर सकते हैं, आप लोग को कुछ नहीं होने वाला, बस रिकवरी एजेंट ऐसे ही भागेंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। पुलिस केस, क्या आपके ऊपर, आप लोग लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पुलिस केस होगा या नहीं होगा? तो पुलिस केस की बात है मतलब एफआईआर वगैरह कुछ नहीं होने वाला इन केस अगर आप लोग ने 420 नहीं किया, मतलब लोन लिया हो तो फेक डॉक्यूमेंट देकर के लोन ना लिया हो, ऐसा मैं बोल रहा हूं। अगर ऐसा आप लोग किए हैं, फेक डॉक्यूमेंट देकर के लोन लिया है, तब आप लोग के ऊपर पुलिस केस जरूर से जरूर होगा। अगर आप लोग ने सही डॉक्यूमेंट देकर के लोन लिया, अपना ही डॉक्यूमेंट देकर के लोन लिया, तब आपके ऊपर कोई भी एफआईआर केस, पुलिस केस नहीं होने वाला है। इससे आप लोग समझ जाइए, आप लोगों को अगर कोई धमकी भी दे रहा है तो ये समझ जाइए कि फेक है, रिकवरी एजेंट वगैरह सब कॉल करके आपको धमकी दे रहे होंगे, बस और कुछ नहीं। अब बात करें कोर्ट केस, तो बहुत सारे आपको आते हैं नोटिस कि उसमें लिखा रहता है कि आपको इस डेट पे कोर्ट पे आना है, क्या ये सब सच्चाई क्या है इसके बारे में? तो कोर्ट केस वगैरह में क्या होता है, ज्यादातर आप लोग को इसके इस पर्सनल लोन या ये जो किस्त है पर्सनल लोन ऐप, इस केस में आप लोग को ज्यादातर सेटलमेंट वगैरह का नोट के अगर कोई भी आता है नोटिस तो सेटलमेंट का नोटिस आ सकता है, कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग अगर जानना है कि वो आपके ऊपर सच में केस किया गया है या नहीं किया गया है, तो आप लोग को सिंपली एक एप्लीकेशन देखिए, जब भी आपको लेटर आएगा तो उसमें एक केस नंबर मेंशन होगा, अगर रियल है लीगल नोटिस तो आप लोग को उस पर क्या होगा, केस नंबर लिखा होगा। उस केस नंबर को क्या करना है, केस नंबर को आप लोग को कॉपी करके आपने ई कोर्ट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप लोग उस पर केस नंबर डालिएगा। अगर वहां पे एक्टिव शो कर रहा है मतलब आपके ऊपर केस हुआ है, अगर उसके अलावा अगर आप लोग को नॉट वैलिड या फिर आपको नॉट एक्टिव दिखा रहा है तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फेक वगैरह नोटिस होगा, ये समझ जाइए आप। ऐसे कोई कोर्ट केस वगैरह होता नहीं है, होता भी है तो सेटलमेंट का होता है और कुछ नहीं होता। बस इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी लोन रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। अगर आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा जहां से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।